नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार रंका से, प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा रंका पश्चिमी वन क्षेत्र कार्यालय परिसर में बुधवार को वनों के संरक्षण, संवर्धन, जल संरक्षण एवं ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए 3 दिवसीय माइक्रो प्लान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन पूर्वी एवं पश्चिम वन क्षेत्र के 95 गाँव से 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ संवेद स्वर में राष्ट्रगान से प्रारंभ हुआ, जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी वन क्षेत्र पदाधिकारी के अलावा माइक्रो प्लान के प्रमुख प्रशिक्षक जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं अरुण कुमार पांडे समेत उपस्थित वन संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रगान का अभिवादन किया। तत्पश्चात माइक्रो प्लान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्वी एवं पश्चिम वन क्षेत्र पदाधिकारी विमत कुमार एवं आनंद कुमार झा ने कहा कि मानव जीवन का आधार जल है, यदि जल नहीं तो इंसान ही नहीं किसी भी चीज जीव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और जल के लिए वनों की आवश्यकता है, अतः सभी को वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आगे आना होगा। पूरा गढ़वा जिले जिसमें पिछले 2 वर्षों से सुखाड़ के चपेट में है, राज्य सरकार ने जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर रखा है। आलम यह है कि आगामी माह के दौरान यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या गंभीर होने जा रही है। इसकी नौबत आने वाले दिनों में ना आए, इसके लिए हमें आज से ही सोचना होगा। आप सबों के सहयोग से वन सीमा से लगे गांवों और वनों में जल संरक्षण के लिए बेहतर उपाय किए जाएंगे, ताकि वन्य जीवों के पेयजल की उपलब्धता के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों का भी जल स्तर ऊंचा उठा रहेगा, जिसके बहुआयामी परिणाम मिलेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के अधिक विकास के लिए वन आधारित कार्य किए जाने हैं, जिससे लोगों का जुड़ाव जंगल से बना रहे और आप सभी इसके संरक्षण को लेकर संवेदनशील बने रहें। कार्यशाला में उपस्थित लोगों के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामूहिक संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम के उत्तरार्ध में पहुंचे दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी अविरूप सिन्हा ने उपस्थित ग्राम समितियों से कहा कि रंका वन क्षेत्र के संवर्धन एवं संरक्षण तथा ग्रामीणों के आर्थिक विकास के लिए 125 गांव के वन समितियों को कार्यशाला में के माध्यम से जन जागरूकता एवं उनके 10 वर्षों के विकास की रूपरेखा के लिए समेकित योजना बनानी है, जिसके लिए सर्वप्रथम कार्यशाला के माध्यम से जन जागरूकता, दूसरे फेज में गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनके अनुकूल योजना का चयन एवं समेकित रोजगारोन्मुख कार्यक्रम तय किया जाना है, जिसकी शुरुआत की गई है। वर्ष 2019 में हम लोगों ने ये माइक्रो प्लान के तहत 125 गांवों वन प्रबंधन समितियों को एकजुट करने के संदर्भ में कोशिश शुरू की है। तो 4 दिन के प्रोग्राम में पहला चरण में हम लोग ये कर रहे हैं कि 13 से लेकर 16 तक हम लोग सभी वन प्रबंधन समिति के 30 सदस्यों को आमंत्रित करके उनको अवगत कराना चाहते हैं कि ये माइक्रो प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की प्रक्रिया क्या है। जब तक हर गांव के लोग सशक्त नहीं होंगे, तब तक उस गांव के बाकी सदस्यों को ये ज्ञात करवाना बहुत कठिन है। तो इसीलिए प्रथम चरण में हमने ये सोचा है कि हर गांव से 3 सबसे सशक्त गांववासियों को अपने वन समिति के माध्यम से उनको आमंत्रित किया जाए और उनको सशक्त बनाया जाए कि ये सूक्ष्म योजना की योग्यता क्या है, इनका क्या उपयोग होने वाला है, कैसे ये उनके फेवर में कैसे काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने ये आज का जो प्रोग्राम है उसी संदर्भ में, ये प्रथम चरण है। इन 4 दिनों में बाकी भंडरिया में, कुटकू में भी ऑर्गेनाइज करवा के हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि रंका गढ़वा दक्षिणी के सारे 125 गांवों के 30-30 सदस्य सशक्त हो जाएं। दूसरे चरण में हम लोगों ने क्या सोचा है कि यही जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं और ये जो 30 सदस्य हैं, ये 30 लोग मिलके हर गांव-गांव में ऐसा ही प्रोग्राम आयोजित करें, जिसके लिए सरकार ने अपना फंड भी रिलीज़ कर दिया है और हम लोगों ने भी अपने तरह से पूरी तैयारी कर ली है, चाहे वो प्रोजेक्टर के माध्यम से हो या कोई भी और फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, जिस तरह से एक पब्लिक रूरल अप्रेजल की प्रक्रिया होती है PRA टेक्निक्स, उनके थ्रू हर गांव में जा जाके हम लोग यह कोशिश करेंगे कि हमारे गार्ड्स, फैसिलिटेटर्स और ये 30 सदस्य, क्योंकि हमारे वन विभाग की जितनी स्ट्रेंथ है उसमें ये 30 लोग भी हैं, क्योंकि ये वन समिति के लोग हमारे वन परिवार का ही हिस्सा है,
तो इन सब के माध्यम से हम लोग द्वितीय चरण में गांव-गांव में जाके कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, और सूक्ष्म योजना का जो डॉक्यूमेंट होता है, माइक्रो प्लान का डॉक्यूमेंट, हम लोग इस वित्तीय वर्ष में हम लोग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले 10 सालों में जो डेवलपमेंट हो, जो विकास का धारा हो, वो बॉटम सब अप्रोच से हो, हर गांव की जो ज़रूरतें हो उस हिसाब से हम लोग आने वाले दिनों में अपनी योजना वर्किंग प्लान। धन्यवाद।